नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज। स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में इसी शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सीआरपीएफ के अफसर समेत 5 जवान और 1 नागरिक शहीद हो गए थे, जबकि इस घटना में 4 जवान भी जख्मी हुए, जिनका इलाज अभी जारी है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। एक आतंकी जिंदा मलबे के नीचे दबा था। जब मलबा हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, उसी समय उस आतंकी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे हमारे इतने शूरवीर की शहादत हुई। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बिहार के बेगूसराय का एक बीएसएफ के अधिकारी भी शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय जिले के रहने वाले सीआरपीएफ के डीएसपी पिंटू कुमार सिंह जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार के 2 बजे से ही पिंटू को फोन लगाया जा रहा था, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। परिजनों की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, लेकिन बिहार के ही एक जवान ने पिंटू कुमार सिंह के परिजनों को ये बताया कि आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान पिंटू कुमार सिंह शहीद हो गए हैं। हद की इंतहा देखिए कि कंट्रोल रूम इस शहादत की खबर को दबाए हुए था। कंट्रोल रूम ने बीते कल शनिवार ही सुबह में पिंटू के शहीद होने की बात कही। मिली जानकारी के अनुसार दिवंगत शहीद बेगूसराय जिले के बकरी थाना क्षेत्र के ध्यानचक टोला निवासी स्वर्गीय चक्रधार प्रसाद सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। बताया जाता है कि गुरुवार की देर रात से शुक्रवार की शाम तक दोनों तरफ से फायरिंग में जहां 3 आतंकवादियों को मार गिराया, वहीं इस मुठभेड़ में भारत के सीआरपीएफ के अधिकारी सहित 5 जवान भी शहीद हो गए। पिंटू कुमार सिंह ने 2009 में सीआरपीएफ में ज्वाइन किया था। वे 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। दिवंगत शहीद पिंटू सिंह की एक 5 साल की पुत्री है। पत्नी अंजू सिंह अभी गर्भवती है और इस हादसे की खबर सुनकर वो लगातार बेहोश ही है। इस सूचना के बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। शहीद पिंटू सिंह की शहादत पर पूरा देश मर्माहत है। शहीद पिंटू कुमार सिंह के घर लोगों का पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्र मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी शहीद पिंटू सिंह के गांव पहुंचे और शहीद पिंटू कुमार सिंह के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इसके पहले पूर्व मंत्री ने शहीद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिंटू सिंह की शहादत का उन्हें बेहद अफसोस है, लेकिन वे शहीद हुए हैं, ये देश के लिए गर्व की बात है। पूर्व मंत्री ने देश की सरकार को नसीहत दी कि सिर्फ शहीद कहने के लिए नहीं, बल्कि दिवंगत शहीद पिंटू सिंह को सही तरीके से शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सिटी पोस्ट लाइव के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। वहीं ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली के नीचे इस शहीद की शहादत दब गई। इस चुनाव और वोट की राजनीति में शहीद की शहादत को वो दर्जा नहीं मिल पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।